कम्युनिटी डिबेट, हमेशा की तरह कोई ना कोई मुद्दा लेके हम आते हैं जिस पे हम बात करते हैं कि इस वक्त कम्युनिटी के अंदर इसकी क्या रिस्पॉन्स है कोविड 2019 और उसके नतीजे में होने वाला क्वारंटाइन, जिसमें लोग सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं और उनका ख्याल है कि ये सेल्फ आइसोलेशन दरअसल उन्हें हर चीज़ से फारग कर देती है, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ क्या हालात हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसमें क्या मेजर्स लेने चाहिए कि ये वक्त जो कि बहुत ही नाजुक और मुश्किल वक्त है उसको गुजारा जाए। इस सिलसिले में हमारे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हैं हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान अरुणा पेप, जो कि एक डोमेस्टिक वॉयलेंस के ऊपर बहुत काम किया है इन्होंने और इसके साथ साथ कम्युनिटी में विमेन राइट की चैम्पियन रही हैं और ये पहली खातून हैं जो कि विमेन पंजाबी विमेन के लिए यूएनओ में भी गई। इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में हम ऑनलाइन लेंगे स्काइप के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं राकेश तिवाड़ी साहब, जो कि बहुत ही अच्छे मीडिया पर्सनालिटी हैं और इसके साथ साथ एक एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी क्या राय है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ साथ हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छी लॉयर सादिया बुखारी, जो कि बहुत सा काम कर रही हैं कम्युनिटी के साथ, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उनके सजेशंस क्या हैं, इन सब के ऊपर आज बात करने के लिए हम मौजूद हैं टेक स्टूडियो में। आप सबको यहां पर वेलकम। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन के ऊपर मौजूद है विमेन राइट की एडवोकेट और बहुत ही ज़्यादा काम किया है उन्होंने डोमेस्टिक वॉयलेंस के ऊपर, अरुणा पैप हमारी एक्सपर्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस क्वारंटाइन में जो कि कोविड 2019 का नतीजा है उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। वेलकम टू द स्टूडियो अरुणा दी। थैंक यू, थैंक यू। सो व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, आपको कैसा लगता है कि कम्युनिटी में लोगों का क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि लोग घर में नहीं रहने के आदि और अब वो एक साथ सारी मल्टीपल फैमिलीज रह रही होती हैं, तो क्या इसके क्या नताइज हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसके कई रिस्पांस हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि खानदान के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। इज दैट ओके? जी बिल्कुल बिल्कुल। विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। क्या होता है कि पेरेंट्स जो है दो तीन बच्चों के साथ हैं, शायद उनके पेरेंट्स भी उनके साथ है, दादा दादी नाना नानी भी साथ रहते हैं, तो उन लोगों का सबका जो है एक बहुत अच्छा स्केड्यूल बना होता है। लोग हस्बैंड वाइफ काम पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, नाना नानी घर पे रहते हैं, दादा दादी घर पे रहते हैं, सो एवरीबॉडी हैज अ स्केड्यूल, तो लाइफ जो है बहुत कंट्रोल से चलती है। ये कोरोना वायरस की वजह से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी लाइफ जो है बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोग पॉलिटिशियंस को सुन रहे हैं, अपने डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये कब खत्म होगा, कब कितने लोग मरेंगे, कैसे जिएंगे, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो कितनी डरावनी बातें सुन रहे हैं। तो हमारे को ये महसूस हो रहा कि हमारी जिंदगी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। So, इसकी वजह से ये हमें यकीन हो गया कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे, ये नहीं कर सकते, विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द हाउस। घर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को जो लोग आउटरीच आउट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं या ईमेल्स लिख रहे हैं, मैं उनको ये कह रही हूँ कि घर में कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। उसका मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट करें, ये कि जिस तरह से रूटीन थी उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। यहाँ मैं एक सवाल करूंगी आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गई है लोगों में घर रहने से और उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया? लेकिन बेहद काफी हद तक हम उसे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्यों, लेट मी टेल यू एक एग्जांपल। मम्मी डैडी ने बच्चों को सुला दिया 8-9 बजे, तो दो दो तीन तीन बजे तक अब मूवियां देख रहे हैं ताकि उनको कहीं जाना नहीं है, तो अगले दिन वो 10-11-12 बजे तक सोएंगे क्योंकि उन्होंने रात भर मूवी देखी। तो घर का सारा सिस्टम जो है वो बदल गया है, देयर इज नो कंट्रोल, कोई कब उठ रहा है, कोई नहीं उठ रहा, कोई सारा दिन पजामे पे बैठे हुए हैं, मील मैनेजमेंट नहीं हो रही है,
तो इन छोटी छोटी बातें जो हमें लग रही हैं छोटी छोटी, ये बढ़ती जा रही हैं और उन्हीं की वजह से शायद तो, हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने की वजह से, क्योंकि ये बहुत न्यू बात है हर कनाडा की, बहुत न्यू बात है कनाडा में, तो हर कोई आदमी है काम। तीन दिन तो मदर आएंगी कहेंगी अच्छा बताओ मैं क्या बताऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तीन बच्चे हैं तो उनकी तीनों की फरमाइश फर्क होगी, अगर और इन लॉज हैं घर में तो उनकी भी फर्क है, तो दो तीन दिन तो उनके किचन में खाना पकाने के लिए लग जाएंगे। आफ्टर अ वीक शी इज गोइंग टू गेट टायर्ड क्योंकि सर यू नो, फिर वो नए नए खाने बनाएंगे, लेकिन बच्चे तो उनको आदत है कि लंच जो है हम सैंडविच लेके जाते हैं, हम ये करते हैं। अगर आप किसी दिन बच्चों को कह दें कि भाई आज सिर्फ दाल चावल बने हैं, सब्जी बनी, ये खा लो, तो इट्स अपसेटिंग। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टाइम मैनेजमेंट और कंट्रोल। अगर हमारा घर कंट्रोल होगा, स्केड्यूल होगा, तो बच्चों को भी महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा कि हमारी जिंदगी जो है अनकंट्रोल्ड नहीं है। That is very scary when you don't have a control in your life. जी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर चीज को स्केड्यूल किया जाए। और सबसे पहले पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट्स, ये समझने की जरूरत है कि इमरजेंसी तो है लेकिन मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है। हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं, पैनिक की जरूरत नहीं है, रिलैक्स जरा अपना एटीट्यूड, पैनिक नहीं होना चाहिए। और जबकि सब लोग ही इन्वॉल्व है, कोई एक नहीं है। दूसरा बात ये है कि अगर टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हम, मैंने ये स्केड्यूल बनाया है फैमिली का और आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। यू हैव टू मेक एवरीबॉडी सेट डाउन, सबको कहो कि हमने साथ ही रहना है, सात आठ लोग हैं घर में, ये जितने भी लोग हैं, तो हम कैसे अपना स्केड्यूल बनाए। सो इफ एवरी मैन पर्सन इन द हाउस हैज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो yes. बच्चों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, यू नो, तो स्केड्यूल बनाया, तो फिर वो उसको फॉलो करेंगे। अगर आप डिक्टेट करोगे कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो किसी का तो मूड तो खराब होगा। और ये हाई टाइम है कि आप एक दूसरे को समझ, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी इस दौर में इमोशनल नीड बहुत ज्यादा है। इस वक्त इमोशनली हमें एक दूसरे को, देखिए एक फैमिली में छोटी सी बात हुई थी कि सब लोगों का स्केड्यूल जो है वो बिगड़ गया है, तो दादी जी का स्केड्यूल ये था कि वो 4-5 सीरियल देखा करती थी दिन में, घर में एक ही टीवी है। अब दादी जी को हफ्ता भर सीरियल नहीं देखना मिला, तो उनके तो मूड खराब हो गया। तो बच्चों को भी टाइम चाहिए टीवी के लिए। और फिर उसके साथ कंप्यूटर के ऊपर, इस वक्त बहुत सारी पढ़ाई जो है स्टूडेंट्स की, वो कंप्यूटर के ऊपर जा रही है। और जब आप बहुत ज्यादा उसको यूज करेंगे, हर बंदा अपना अपना यूज करेगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी स्पेशली इफ एक ही कंप्यूटर है घर में, तो आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर जो है मम्मी डैडी मोनोपोली कर रहे हैं, क्योंकि वो घर पे है, वो कह देते हैं, उनकी एक्सक्यूज है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे रोटी कमानी है, ये है, वो है, यू नो। सो ये ज्यादा द अदर कंप्लेंट जो हो रही है मम्मी डैडी को, ये है कि भाई सोशल आइसोलेशन में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। तो वो 4-5 फ्रेंड्स हैं, उनको फोन करते रहते हैं मम्मी डैडी, हम सोशल सपोर्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स की, ताकि कोई लोनली ना हो, कोई माता, मम्मी डैडी, सीनियर्स। लेकिन घर के अंदर, दीवार के अंदर क्या, घर के दीवारों में क्या हो रहा है, वो सोशल आइसोलेशन जो है वो वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो फिर हम कह देते हैं बच्चों को, तुम अपने कमरे में जाओ किताब पढ़ो, तुम अपने कमरे में जाओ ये करो, तुम अपने जाओ, बट देयर इज नो इंस्ट्रक्शन एज टू व्हाट टू डू। Yeah, it's basically the management that people have to understand that we have got a golden chance to spend time with the family and with our home. क्योंकि हम बड़ी सारी चीजें घर की neglect कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत busy होते हैं। तो इसमें सारे मिलके कुछ ना कुछ share करके इसको बड़ी खूबसूरती से manage करके चीजों को positive कर सकते हैं, ताकि depressions और tensions और झगड़े ना हो। financially problem है, mortgages pay करने हैं, bill pay करने हैं, ये सब problems हर domestic घर के अंदर ये मसला है, लेकिन इसको हैंडल करना है, इसको मैनेज करना है, और इस मुश्किल टाइम को एक साथ मिलके गुजारना है। एब्सोल्युटली। और जितने भी घर में लोग हैं, चाहे वो छोटे भी हैं, 3-4 साल के भी हैं, उनसे बात करनी है कि आप बताओ कि आपको क्या करना है। चाहे उनकी यू नो सजेशन
डूएबल ना भी हो लेकिन उनको बात करने का मौका मिला। एक दूसरे को सुनने की जरूरत है और एक दूसरे के साथ डायलॉग करने की जरूरत है। Absolutely. हर छोटे से बड़े को एक इंडिविजुअल ओपिनियन होल्डर के तौर के ऊपर लेने की जरूरत है, जैसा कि कैनेडियन सिस्टम में बच्चों की ग्रोइंग बच्चों को ट्रेनिंग के लिए पेरेंटहुड की ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है कि आप करें बच्चों के साथ, उसकी अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की जरूरत है। और अगर पेरेंट्स फोन पर बात कर रहे हैं और पूरा टाइम न्यूज सुन रहे हैं कि डिजास्टर हो गया, क्राइसिस हो गई, तो ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के ऊपर भी जा रही है, वो भी सुन रहे हैं। आप अपनी सहेली से बात कर रहे हैं कि कितनी मैं बोर हो गई हूँ, तो बच्चे भी सुन रहे हैं। तो जो भी आपके मुंह से निकलता है वो बच्चों के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, उनकी साइकी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। अगर मदर और फादर डरे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या होगा, बच्चे सुन रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन होगा। और वो कह नहीं सकते कि हम डिप्रेस्ड हैं, लेकिन उनके बिहेवियर खराब हो जाएगा। वो खाना नहीं खाएंगे, वो सोएंगे नहीं, वो चिड़चिड़े रहेंगे। सो ट्रू। आपसे हमने आपकी ओपिनियन शेयर की, कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन शेयर की ओवर द फोन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का हमारे साथ आज इजहार किया। तिवारी साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, इस वक्त आप स्काइप के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। तो कोविड 2019 और उसके साथ साथ क्वारंटाइन टाइम, आपका एक मीडिया पर्सनालिटी के तौर पे इसके बारे में क्या कॉमेंट्स हैं? देखिए, इस बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टैग टीवी पर लेने के लिए हलीमा जी। और कोविड 19 की हम बात कर रहे हैं, कोविड 19 ने इस वक्त में पूरी दुनिया को हिला रखा है। और अभी जैसे मेरी पहले आपसे बात हो रही थी, एक लिहाज से अगर जो लोग परमात्मा को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तो उनकी सोच ये है कि एक ये रीसेट बटन ऊपर वाले ने ऐसा दबा दिया है कि अभी पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में सवाल है, फिलहाल डरे हुए हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, चाहे मैं हूँ, आप हैं, सभी लोग एक दूसरे से को छूने में डरे हुए हैं, एक दूसरे के पास आने में डरे हुए हैं, क्योंकि अपने आप में एक पूरी दुनिया में ये रूल बना दिया गया है कि हर हालत में हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे कहा जा रहा है, या फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करना है। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स को तो आने वाले समय में अभी कैलकुलेट करना बाकी होगा कि इसका पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा और किस रूप में ये कहां आगे तक जाएगा। लेकिन इतना तय रहा कि फाइनेंशियली हम लोग आज की तारीख की अगर बात की जाए तो दुनिया 10 साल पीछे जा चुकी है। लेकिन क्या क्या समझते हैं कि इससे क्या तब्दीली आई है हमारे लाइफस्टाइल में, या कोई तब्दीली नहीं आई, और ये किस हद तक जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए ताकि ये इसके फैलाव को रोक सके? आया ये वाकई इस तेज रफ्तारी से वबा के तौर पर फैल रही है, क्योंकि लोग बहुत अजीब अजीब कश्मकश और अजीब से सवालों में गिरफ्तार हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो नई हैबिट्स लोगों को अडॉप्ट करनी है और साथ में वैल्यू ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी की कीमत को समझनी है। जैसे एक लग रहा था कि सब कुछ चले जा रहा है और तेज रफ्तार जिंदगी में लोग भागे जा रहे थे लगातार, तो वहां पर वो हॉल्ट हो चुका है, वहां रुक गया है। तो अब हमें कम से कम एक इसका पॉजिटिव आउटकम जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली के साथ में समय गुजार सकते हैं। आपको अपने आप के लिए कुछ नई हैबिट्स लेनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में ऐस ये मत मान के चले कि ये पहला ऐसा मौका है और आखिरी मौका है। इसके पहले भी अटैक हुए हैं, इस तरह के वायरसेस आए हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को इस ढंग से नहीं हिलाया था। लेकिन ये मान के चले कि इस तरह की और भी वायरल अटैक्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, जिनका कि ऐसे लोग और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फायदा उठाएंगे जिनका काम ही दुनिया को अनस्टेबल करना है,
जिनमें टेररिस्ट जो ताकतें हैं वो भी हैं और ऐसी ताकतें भी हैं जो कि पूरी दुनिया को अपने लिहाज से चलाना चाहती हैं, तो वो और हमें अपने आप को अपने घरों से बैठ करके काम करने की आदत जो पड़ रही है इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस तरह से कहा जाता है कि 9/11 के बाद में दुनिया बदली है, तो 9/11 के बाद में दुनिया में थोड़ा सा बदलाव आया था, लेकिन ये बदलाव जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का बदलाव है। और जहां तक रहा सवाल आपने पूछा है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में, तो बेहतर है मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो दादे परदादे पुराने जो लोग थे जहाँ से इंसानियत शुरू होती है, तो हिंदुस्तान से भारत से मैं आता हूँ, हम लोग आते हैं वहाँ से, और वहाँ पर मिलने के पहले लोगों को जब भी आप मिलते हैं तो सीधे नमस्कार प्रणाम हाथ जोड़ के करते हैं, इसमें आपका आपका झुक आपका आपकी अदब भी हो जाती है, और उसके साथ में वो जो टच करने वाली बात है या जो वायरसेस फैलने की बात है उसकी भी गुंजाइश एकदम नहीं के बराबर होती है। तो हमें वापस उसी लेवल पर आना होगा। और रहा सवाल आज के माहौल में, आज के वक्त में जो है, तो बड़ी सख्ती के साथ में मैं कहूँगा कि इसका इसका पालन होना चाहिए, और क्योंकि हम एक सिर्फ एक इंसान जो है वो चाहे तो पूरी मतलब हजारों हजार और लाखों लाखों लोगों को तक ये वायरस फैला सकता है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही हुआ कि एक आदमी ने लापरवाही बरती और उसके आदमी हुआ, और भारत में भी वो सिचुएशन ऐसी हो रही, यहाँ पर भी लोग जो नहीं अप्लाई कर रहे अपनी लाइफ में वो इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि जानबूझ करके शायद ये प्ले कर रहे हैं। अब आते हैं मीडिया की तरफ। इस वक्त हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं जिसके अंदर एक जगह पे होने वाली चीज़ सिर्फ एक जगह पे नहीं, साइमल्टेनियसली हर जगह पे इफेक्ट कर रही है और चेंज आ रही है। तो मीडिया के हवाले से बात करते हैं। मीडिया में बहुत सी तब्दीलियां देखने में आई हैं, ऑपरेशन के हवाले से, मीडिया के ऑपरेशन के हवाले से और मीडिया की चैनलाइजेशन के हवाले से। तो आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं और आप उस तब्दीली का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या असर देखते हैं? देखिए, एक तब्दीली तो बिल्कुल सामने है कि जहाँ पर स्टूडियो में आपके साथ में होने के बजाय मैं यहाँ अपने घर पर स्काइप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप भी बात कर रही हैं, तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये है, मेरी समझ में सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम ये है कि आप अपनी जगह पर होते हो, क्योंकि हमारा काम बैकग्राउंड दिखाना नहीं है, रियलिटी दिखाना है। मीडिया जो है वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा रियलिटी दिखा सके। इस वक्त में जिन लोगों ने मुझे स्टूडियो में ही हमेशा देखा है, टैग टीवी के व्यूअर्स ने, तो वो उन्हें एक मौका मिल गया देखने का कि मैं कहां पर अपने घर के अंदर में बैठ करके बात कर रहा हूं। और इसका इसी के साथ में रिसर्च से लेकर के ये आगे और आने वाले समय में और चलना ही है। मीडिया का रोल आज की तारीख के अंदर में और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत जिम्मेदारी से हमें और आगे काम करना होगा। लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, लोगों को डायरेक्शंस की जरूरत है, और जो हुक्मरान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो गवर्नमेंट हैं और जो जनता है, आम आवाम है, उनके बीच में पुल और ब्रिज का जो काम है वो मीडिया का ही है। तो हमें भी नए तरीके देखने होंगे, हमें लोगों से इसी रूप में जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को भी जो लोग हमसे जो हमारे व्यूअर्स हैं और उनसे अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनको अगर आना है, तो उन्हें भी शायद इसी रूप में आने वाले 2-4-6-8 महीने जब तक ये वायरस का प्रकोप ज़्यादातर बड़ा रहेगा तब तक हमें शायद उनसे भी ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। और जो डिस्टेंसिंग की आपने बात की, तो अब मीडिया के लोगों को भी उतनी ही दूरी से, आप एकदम साथ में रह करके बाइट नहीं ले सकते, किसी से आपसे दूरी से बना करके आपको करना पड़ेगा, तो और बहुत सारे नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे। जो चीजें पहले जैसे आपने नेगेटिव की बात की है, तो हमने अभी तक जो पैरामीटर्स बना करके रखे थे वो सारे के सारे बदल गए हैं। तो एक तरह से हम भी अपने जैसे आपके पांव के नीचे से वो कारपेट खींच लिया जाए, तो आप एकदम जिस हालत में होते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया भी इसी हालत में है, क्योंकि आज पूरी दुनिया के मीडिया में कोरोना कोरोना और कोरोना चल रहा है। नहीं, लेकिन सॉरी मैं आपकी यहाँ से बात काटूंगी, कोरोना तो चल रहा है, लेकिन ये सब तब्दीलियां तो ये वो फ्यूचर है जिसको हम सोच रहे थे कि ये कभी आएगा, लेकिन ये हमारी जिंदगियों में आ चुका है। और अब इस फ्यूचर के साथ इसकी मजीद, इसमें बैकड्रॉप कोई नहीं है, पीछे बैकवर्ड गियर कोई नहीं है, फॉरवर्ड ही है।
तो इस सिलसिले में तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी मुश्किलात भी आने वाली हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किलात तो आना शुरू हो चुकी हैं पहले दिन से ही। जैसे ये शुरू ही हम अपने माइंड को सेट नहीं कर पाए थे, जो हमें गाइड करने वाले थे वो उनको खुद को भी नहीं पता था। मतलब लगभग मैं समझूंगा कि आप हम 2-3 सप्ताह के अंदर में हमने सीरियसली लेना शुरू किया इस चीज को, लेकिन उसके पहले उतना सीरियस नहीं ले पा रहे थे। तो तब्दीलियां और सीरियसनेस दोनों ही चीजें आज की तारीख में आ चुकी हैं और मुश्किलात हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। जब हम द मोमेंट हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। तो पहला तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो चेंज है ये इसको नॉर्मल आपको लेना पड़ेगा कि ये आने वाले समय के लिए नॉर्म है, यह ऐसे ही होगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-4, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, इवन इसके बाद में भी ये जो हैबिट हम अपना रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, हमें इसे लगातार कायम रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। उसके साथ में वर्क हैबिट से लेकर के हर जगह पर चेंजेस होंगे। गवर्नमेंट्स को भी अब हमारे जो काम करने का तरीके थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो इसी बीच में हलीमा जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस बीच में जो हमारा फिजिकल लेबर हो रहा था, फैक्ट्रीज में लोग जा रहे थे, बाकी जा रहे थे, तो जो बहुत दूर की बात लग रही थी कि 10, 20, 25, 50 साल में होगा, बहुत जल्दी ही ऐसा होगा कि वर्क फोर्स की जगह रोबोट्स जो हैं वो हमारी जगह लेंगे। फिजिकल वर्क में वो आकर के जगह लेना शुरू कर देंगे और आदमी जो है वो इंटेलेक्चुअल काम करेगा या उसके लिए दूसरे ढंग के काम उसको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक हकीकत है कि कोई भी एक दूसरे के टच में आकर के अपनी जान नहीं देना चाहेगा। लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया इसका, लेकिन इंसान की वैल्यू तो कभी भी कम नहीं होती ना, उसकी डाइवर्जन उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, इम्पैक्ट होता है, स्लोली चेंजेस आती हैं हमेशा सोसाइटी में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया बहुत बदली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बहुत बदली, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? क्या लोगों में मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है या मीडिया सिर्फ डरा रहा है? क्या मीडिया इस रोल के साथ चल रहा है कि हमने फ्यूचरिस्टिकली लोगों को प्रिपेयर करना है, या इस वक्त तक सिर्फ डराने की ही बात चल रही है? रीमा जी, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही और एकदम पिन पॉइंट बात कही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं कि ज्यादातर मीडिया डराने का, फिलहाल जाने या अनजाने डराने का ही काम कर रहा है, लोगों को तैयार नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि इस वक्त में ज्यादातर मीडिया पूरी दुनिया के अंदर जो बैठा हुआ है वो डराने का काम कर रहा है। लोग डर रहे हैं और बजाय इसके कि उनको इस नए चेंज के लिए तैयार करने का कि इट इज ओके, हम आज की तारीख में दुनिया में वहां पर आ चुके हैं जहां की तब्दीली, आज रोबोट्स जो हैं वो अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक बात है। आज की तारीख में बहुत सारे फैक्ट्रीज में, बहुत सारे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में काम कर रहे हैं। हमें इंसान को जो की वैल्यू कम नहीं होगी, हमारा काम जो है और थोड़ा डिफरेंट लेवल पर आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल लेवल पर आ जाएगा। और हमेशा हमेशा ऐसा होता आया ना कि चेंज हो जाती है, नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाती है, लेकिन जाहिर है इसमें एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है जिसमें एक टाइम लगता है, लेकिन जाहिर है सेहत बहरहाल सेहत होती है। कुछ फैक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंटल भी हैं और जो हमारे इस पूरे के पूरे इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। पॉजिटिव बात यह है कि इंसान उस पर काम भी कर रहा है मुसलसल। जी जी, एक बात में पॉजिटिव चेंजेस की हम लोग बात कर रहे थे, पूरी दुनिया से वीडियोस आ रहे हैं, लोग आसमान साफ देख रहे हैं, लोगों को आसमान साफ नजर आ रहा है, लोगों को पंछियों की चहचहाट नजर आ रही है, पर्यावरण जो हमारा एनवायरमेंट जिसके लिए पूरी दुनिया एकदम हो रही थी कि क्या करें क्या करें क्या करें और क्या किया जाए, तमाम बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के प्रोजेक्ट्स लग रहे थे और लगा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ कम नहीं हो रहा था। अपने आप में ये हमें समझ में आ गया है कि जैसे ही कारें घर पार्क हो गई हैं, पॉल्यूशन जैसे अपने आप में, लोग इंसान जैसे ही घरों में बैठे हैं, एनवायरमेंट पर्यावरण अपने आप में ठीक होना शुरू हो चुका है। लोगों के दिमाग का पॉल्यूशन ठीक होना जरूरी है। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि लोग घरों में कैद हो गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनको अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं हम अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर। लेकिन मैं इसका पॉजिटिव आउटकम मैं दो पॉजिटिव आउटकम मैं बिल्कुल देख रहा हूं। एक तो एनवायरमेंट के स्तर पर, जिसमें जो इस दुनिया में, कायनात में
हम इंसानों के अलावा जानवर भी हैं, पंछी भी हैं, उनको भी एक तरह की राहत मिली है, एनवायरमेंट को बहुत बड़ी राहत मिली है, और साथ में हमारे लिए ये हो गया है कि हमारी जो लगातार भाग दौड़ थी, हम जो लगातार भाग रहे थे, हमें बिना मतलब सिर्फ काम के लिए, और समझ में नहीं आ रहा था, भाग तो रहे हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड हो रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये नहीं पता था। ये हमें जो रुकने का सोचने का मौका मिला हलीमा जी, ये हमें बता रहा है कि इंसान के तौर पे हम सोच सकें, अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, अपने आप के लिए टाइम दे सकें, हम सोच सकें इस दुनिया में ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो क्यों भेजा है, हमारा हमारा काम क्या कुल मिलाकर के अपने आप में। जानवर भी तो पेट भर लेता है, इंसान की हालत एक जानवर जैसी हो गई थी, क्योंकि कुल मिलाकर किसी से भी पूछिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे और काम, पैसे और काम, और वो भी सिर्फ क्योंकि दो रोटी उसके पेट में जानी है, दो कपड़े पहनने। आज ये समझने की चीज है, और हमें हम प्रकृति के साथ में ये जो डिजास्टर हुआ है या ये जो अटैक वायरस का हुआ है, ये अपने आप में हुआ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सारी की सारी हदें पार कर दी, हम कुछ भी खाने लगे, हम वो मैं एक नाम पेशेंट गोई होती है कि आप अपने हालात को, आपको एक एक नेचर की तरफ से एक गिफ्ट होता है जो कि बहुत डरोना भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को चेक कीजिए और दोबारा वापस रिविजिट कीजिए अपनी हैबिट्स को। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ही नुकसानदेह है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी लिविंग के लिए जो आपके अराउंड है। ये तो हमारी बात इस पर तो चलती रहेगी, लेकिन तिवाड़ी साहब बात आपसे एक और करना चाहूँगी कि आपने कहा कि रिविजिट करें अपने आप को, अपने साथ फैमिली के साथ टाइम दें, तो आपकी वर्क रूटीन में आप में आपने क्या चेंज किया और आपने क्या चेंज महसूस की, वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है? देखिए, जैसे सब हिले वैसे मैं भी हिल गया था, इसमें कोई शक नहीं, और ये समझ और पूरी दुनिया कहीं से समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से क्या मदद मिल सकती है, तो और कहीं कोई मदद, क्योंकि सभी को मदद की तलाश थी, तो मुझे ये समझ में आया कि वापस मैं वहां पर पहुंचा जहां पहले 20 साल 25 साल पहले जिस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी की उन्नति नहीं हुई थी, उस वक्त में कंप्यूटर भी नहीं आए थे, टेलीफोन भी लोगों के हाथ में या घरों के टेलीफोन मौजूद थे, लेकिन जिंदगी लोग चला रहे थे, और ये चीजें भी हैं। तो उस वक्त में मुझे पता है कि अपने आप को बेहतर करने के लिए उस वक्त में मैं योगा किया करता था, तो मैं वापस इस रूटीन पर आया, प्राणायाम करना, योगा करना, किताबें पढ़ने की कोशिश करनी, और ऑफकोर्स टीवी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ फिल्में और वेब सीरीज जो देखने का मौका पहले नहीं मिला वो देखने की कोशिश की, और अपने आप के ऊपर जाने की कोशिश की। मैंने इसे मान लिया, जैसे आपने कहा कि इसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये चेंज, ये जो परिवर्तन है ये अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं। हमारी हम जब इसे नेगेटिविटी के रूप में देखेंगे तो जरूर लगेगा कि जब हम नेगेटिव देखना चाहेंगे तो हम नेगेटिव देख सकते हैं, लेकिन अपने आप में एनवायरनमेंट की सबसे, क्योंकि अगर ये दुनिया रहेगी, अगर हवा ऐसी हो जाए जहां जो कि हम कर रहे थे, आने वाले 20 साल के भीतर अगर ये रफ्तार कम नहीं होती तो लोग वैसे घुट के मर जाते। तो चलिए आप जल्दी से लोगों को टिप दीजिए कि योगा कितना अहम है इस तमाम, क्योंकि आपने कहा फिटनेस और योगा की तरफ वापस आए हैं, आई हैव हर्ड दैट यू आर वेरी गुड इन वेरी वेरी एक्सपर्ट इन योगा, तो जल्दी से लोगों को टिप्स दीजिए कि अपने घर में रहने के लिए, फिट रहने के लिए, माइंड हेल्दी माइंड बॉडी एंड स्पिरिट के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं इंडिया से आया करीब दिसंबर महीने में, और मेरी हालत ये हो चुकी थी कि आप समझ सकते हैं कि मेरी जो शर्ट थी वो 44 साइज की लग रही थी, एकदम ओवर वेट हो चुका था, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। आज की तारीख में मैं खुशी से आपसे ये कह सकता हूँ कि योग करने से मेरी सारे कपड़े जो पहले मैं पहनता था वो फिट हुए और बेहतर हो चुका हूँ मैं। बिल्कुल आपको खड़े होकर प्रदर्शन भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सारे ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है जी, तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि सब एकदम फिट हो रहे हैं, और उसका उसका कारण है योगासन, और योगा के लिए बाबा रामदेव से लेकर के तमाम यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जिस चीज के ऊपर दिमाग को अपने बेहतर करने के लिए अपने, क्योंकि दिमाग अगर आपका संतुलित है तो आपकी बॉडी संतुलित रहेगी, अगर आपका दिमाग संतुलित नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि प्राणायाम किया जाए, जो कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, या फिर
जो 5 तरह के प्राणायाम है टोटल, वो प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है, आपके दिमाग को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतना ही बेहतर आप सोच पाएंगे। तो मैंने देखा है अपने आप में कि अब मुझे कोई भी बात हो जाए तो चिड़चिड़ा है, गुस्सा जो आमतौर पर किसी बात पे कोई आप झल्ला जाते हैं कभी किसी बात पे, वो सब चीजें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम हो चुकी हैं। और लगातार मैं इसे बराबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप में भी सोच रहा हूँ। तो ये अपने अंदर एक तरह से मुझे सेटिस्फेक्शन है। और रहा सवाल, जैसे मैंने कहा कि योगा का, मैं बिल्कुल माफी के साथ कहना चाहूंगा, योगा का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट होने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका काम है योग सिखाना, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका फायदा जरूर है फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, क्योंकि जिम में जाते हैं आपकी बॉडी वर्कआउट बहुत अच्छी हो जाती है, आपका शरीर बड़ा सुडौल हो जाता है, लेकिन आपके दिमाग को नहीं मिलता है। तो दिमाग के लिए प्राणायाम जो है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आपके लंग्स को भी आपको फायदा होता है, क्योंकि प्राणायाम में आप सांस अंदर लेते हैं, सांस छोट सांसों के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। और हमारी पूरी जिंदगी हलीमा जी कुल मिलाकर के 2 सांसों का ही तो खेल है, एक आनी और एक जानी, आनी और जाने वाली सांसों का ही पूरा खेल है, यही है। बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आने का और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने का। व्यूअर्स, हमारे पास इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं सादिया बुखारी, बहुत अच्छी लॉयर हैं और इसके साथ साथ कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती हैं। तो वेलकम सादिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इतना मुश्किल टाइम है कोविड 2019, इसमें अब हम 2020 में पहुँच चुके हैं और उसके साथ साथ अब क्वारंटाइन का इशू है और उसके साथ साथ रिलेटेड वैसे भी बहुत ज़्यादा माहौल, मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को डरा दिया है और लोग बहुत घबराए हुए हैं। येस, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत घबराने वाली बात है भी टू सर्टन एक्सटेंट और नहीं भी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ एनी टनल देर इज़ अ लाइट। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहली बात मैं ये कहूँगी कि ये जॉन मिल्टन ने एक पोइट्री लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट, उसका मैं उसमें एक उसने चीज़ लिखी थी कि इंसान का जो दिमाग है ना वो कि हेवन को हेल बना सकता है और हेवन और हेल को हेवन बना सकता है। हेवन को हेल, इट कैन मेक अ हेल आउट ऑफ हेवन एंड अ हेवन आउट ऑफ हेल। तो ये हम पे है कि हम इसको किस तरीके से लें। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो पैनिक और डिप्रेशन फैला रहे हैं। देखिए, इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। हम आइसोलेशन में रहें, क्वारंटाइन करें, घर में बैठें, हाथ धोएं, जो भी प्रिकॉशंस हमें हेल्थ कनाडा बता रही है, हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो हम लें। अब जब हमने ये सारे स्टेप्स ले लिए हैं तो उसके बाद क्या चीज है कि हमने डिप्रेशन में नहीं जाना। हम ये सोचें कि दिस इज लाइक वी आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट दिस फोर्स जो भी ये वायरस है। अगर हम सब डिप्रेशन में चले जाएंगे, पैनिक में चले जाएंगे, तो हम वॉर जीत नहीं सकते, हम हार जाएंगे। और दुख है उन लोगों पे जो इतना पैनिक फैला रहे हैं। अभी आप देखें टेनेसी में कितने लोगों ने सुसाइड कमिट कर ली है। इस मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। इफ यू आर फिजिकली ओके एंड मेंटली नॉट हेल्दी, इट्स गोना लीड टू सुसाइड एंड डिप्रेशन, व्हिच इज नॉट राइट। सो पहले तो हमें लोगों को पॉजिटिव बातें बतानी है और मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। कुछ लोग ऐसी बातें भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से सजा है, इट्स द फ्यूरी ऑफ गॉड, पनिशमेंट फ्रॉम गॉड। मुझे लगता है कि खुदा से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, जो मैं समझती हूँ मुझे है, कि मुझे ये ना सजा लगती ना फ्यूरी लगती। मुझको लगता है ये अल्लाह का इम्तिहान है, जो अल्लाह ताला हमें कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर झांकें, हम अपने आप को इम्प्रूव करें। पर इट्स नॉट पनिशमेंट, ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत को पनिशमेंट मत कहें। ये शायद हमें एक मौका मिला है उस तमाम को रिव्यू करने का जो हम मिस कर रहे थे, जैसे फैमिली से जुड़ना, ओल्ड रूटीन में खाने की रूटीन सेट करना, घर की रूटीन सेट करना। तो जब हम ये सब चीज़ें वापस लाएं, क्योंकि जिंदगी ये एक हिस्टोरिकल कर्व है चेंज की तरफ और बहुत वाजे ये कह रहा है कि आप अपने आप को बदलें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और फिर वापस रिविजिट करें उन तमाम चीज़ों को जो आप नहीं कर पा रहे थे। तो आपने इस सिलसिले में अपनी लाइफ में क्या चेंज की? देखिए, मैंने इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये किया है कि मैं वो जो मेरे पेंडिंग काम थे, सबसे पहले मैंने जो रिलेशनशिप्स को रिपेयर करने की कोशिश की है। मैंने सबसे माफी मांगी है कि अगर जिंदगी में मैंने किसी को हर्ट किया हो तो मैंने कहा मुझे माफ कर दो।
अगर क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं, हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, हमें ख्याल नहीं आता, पहली बात ये है। सेकंड, मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं अपने आप को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ। जो मेरे पेंडिंग काम थे, मुझे पोइट्री लिखने का शौक है, प्रोज लिखने का शौक है, मैंने उन पर फोकस किया है। मैं रिलीजन की तरफ वापिस आई हूँ, मैं कम्युनिटी की हेल्प और ज्यादा करने की पहले भी करती थी, कोशिश कर रही हूँ और ज्यादा हेल्प करूँ। सो आई एम ट्राइंग टू डू पॉजिटिव। और वो लोग जो घर में अकेले हैं, जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं, मैं उनको कॉल करती हूँ, उनका हाल चाल पूछती हूँ। सो आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाऊं एंड रिपेयर ब्रोकन रिलेशनशिप्स, जो पेंडिंग काम है उनको कंप्लीट करूं, ये करना चाह रही हूं और एक मोहब्बत फैलाना चाह रही हूं। चलिए, ये तो हो गई आपकी पर्सनल लाइफ की बात, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या उसको कंटिन्यू कर पा रही हैं, या क्या प्लान्स हैं, या आप उसे कैसे देखती हैं? जी, मैं लॉयर भी हूँ और मैं साथ प्रोफेसर भी हूँ। तो एज अ प्रोफेसर मैं क्लासेस जो है ऑनलाइन कर रही हूँ। आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम इन टच विद माई स्टूडेंट्स, हमारा सारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। एज अ लॉयर, आपको पता है कोर्ट्स बंद हो गई हैं, लेकिन रियल इस्टेट क्लोजिंग्स हो रही हैं, तो हमने अभी मैंने रिसेंटली अभी एक दो क्लोजिंग्स की हैं, घर में बैठे हुए की हैं, क्लाइंट्स से हम बात कर रहे हैं। आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम होम। और फैमिली लॉ से भी रिलेटेड, ऑब्वियसली कोर्ट में तो नहीं जा सकती है, लेकिन जो भी एडवाइस है वो स्काइप के जरिए मैं दे रही हूँ। सो अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि काम रुक गया। तो प्रोफेशनल भी चल रहा है, पर्सनल भी चल रहा है, क्रिएटिव भी चल रहा है। अच्छा सादिया, आपने कहा कि दिमागी तौर पे सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, स्पेशली ये इन मुश्किल कामों में, मुश्किल टाइम्स में। टाइम्स गोज अवे, वी ऑल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, सिमिलरली वी आर गोइंग थ्रू द क्राइसिस विच इज़ अराउंड द ग्लोब। तो इसमें कैसे, जबकि इतनी बड़ी चेंज हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है, तो आप क्या मशवरा देंगी लोगों को, वो क्या करें कि जिस, क्या टिप्स हैं कि जिनसे वो अपनी डेली रूटीन सेट करके कुछ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर सकें? पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने व्यूअर्स को कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि जब मुश्किल सर्दी की मुश्किल आती है तो उसके बाद स्प्रिंग भी आ जाता है जिसमें फूल खिलते हैं। तो हमेशा जो है पॉजिटिव सोचें। दूसरा, घर बैठे हुए वो ये कर सकती हैं कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जो पहले नहीं कर सकते थे, टू स्पेंड टाइम विद द फैमिलीज। ऑल्सो हर बंदे के अंदर एक क्रिएटिव टैलेंट मौजूद है, उस क्रिएटिव टैलेंट को बाहर निकालें। अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, गाएं, अगर आपको खाना पकाना अच्छा लगता है उस पर फोकस करें, अगर आप एम्ब्रॉयडरी निटिंग में इंटरेस्टेड हैं डू दैट, अगर आपको लिखने का शौक है आप लिखें, तो म्यूजिक बजाने का शौक है आप वो करें। तो आप घर बैठे हुए भी, और जो हमारे स्पेशली माउथ पीस हैं ऑफ सोसाइटी, जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट है, मैं उनको देख रही हूँ कि वो बैठे हुए हैं घर में और कुछ नहीं कर रहे। वो इंटरनेट, स्काइप के जरिए, जूम के जरिए हमें अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस कम्युनिटी को दे सकती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि सोशल नेटवर्क को ना तोड़ें। पहले मुझे लगता था लोग ज्यादा टेक्सटिंग करते हैं, फेसबुक पे ज्यादा आते हैं, कॉल ज्यादा करते हैं। अब मैं रिसेंटली देख रही हूँ कि लोगों ने कॉल भी कम कर दी है, टेक्स्ट भी कम हो गया है, फेसबुक भी कम हो गया है। व्हाई? लोग बहुत प्रेशर में, आपका नहीं ख्याल कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर और अनसर्टेनिटी हो गई है? उस अनसर्टेनिटी, और फिर जाहिर है जब आप बाहर निकलना बंद हो जाए तो बहुत से लोग तो इससे कॉप ही नहीं कर पाते इस लाइफस्टाइल से बड़ी देर तक। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है हमें अपनी रूटीन सेट करनी पड़ेगी कि हमें अपने दिन को, अपने अपना जो पूरा टाइम है उसको हमने कैसे डिवाइड करना है, और उसके बाद हमें अपने रूटीन के जो काम है, सिर्फ ये कि हमारी कम्यूटिंग यानी ट्रैवल, जो हम ट्रैवल टाइम करते थे उसको निकाल दें, बाकी तमाम काम तो आप अंदर बैठ के कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और वर्चुअली वी कैन स्टिल बी कनेक्टेड, वी कैन होल्ड ईच अदर्स हैंड व्हाइल सिटिंग एट होम। कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन रखें अपना, जैसे आपने रूटीन की बात की, एक रूटीन सेटअप करें, उसमें जो चीजें मिसिंग थी वो ऐड करें जो पहले नहीं हो पा रही थी ट्रैवल की वजह से, वर्क की वजह से। ट्रैवल में बहुत टाइम लग जाता है, राइट, उससे आप थक जाते हो। उसमें वो चीजें ऐड करें जो आपकी लाइफ में पेंडिंग थी बहुत सालों से। अपने आप को अमेंड करें एज अ ह्यूमन बींग, एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल। तो मुझे लगता है कि इंसान, हम लोग बेहतर इंसान बन सकते हैं अगर हम हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लें। थैंक यू वेरी मच सादिया, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने मशवरे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर अपने आप को मैनेज कीजिए। क्वारंटाइन आइसोलेशन है, लेकिन इस आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इसी तरह रहेंगे, और हर एक के अंदर सिम्टम्स भी नहीं हैं। घर में रहने का एक बेहतरीन मौका
इस तरह भी है कि अपने आप को वो तमाम काम कीजिए जो आप कभी सोचते थे कि जब हमारे पास टाइम होगा तो हम करेंगे. फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, घर का पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है. मुश्किलात हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनसे थ्रू होना है और इनसे थ्रू होने के लिए एक्सेप्ट करना है चेंज को, वक्त के तकाजों को और अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी. इन अल्फाज के साथ आज का कम्युनिटी डिबेट देखने का बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मसाइल उनके नए हल के साथ.